जी प्रणाम सर। आपको चाहिए? हाँ बताइए, कौन टॉपिक पढ़िएगा? सर फर्स्ट नेशनल इनकम से नहीं नेशनल इनकम नहीं पढ़ाए हैं? सर, अभी कहाँ पढ़ाए हैं जी? और दूसरा लड़का को पढ़ाए? हमको तो वही रेलवे के बारे में 2 दिन पढ़ाए, उसके बाद तो कोई टॉपिक चला नहीं। ठीक है, नेशनल इनकम पढ़ो। राष्ट्रीय आय जो है ना, जी वो दो प्रक्षेत्र तीन प्रक्षेत्र तथा चार प्रक्षेत्र जी के प्रतिनिधि संदर्भ में राष्ट्रीय आय दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत, चार छेद प्रतिशत के संदर्भ में सूत्र जी है ना। जी सूत्र का मतलब हो गया इक्वेशन। नेशनल इनकम आइडेंटिटी नेशनल इनकम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इक्वेशन। नेशनल इनकम, नेशनल आइडेंटिटी इक्वेशन सर, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नेशनल इनकम एंटिटी जी है ना। टू थ्री एंड फोर सेक्टर। फोर सेक्टर इकोनॉमी। और हिंदी में इसी का हो गया राष्ट्रीय आय दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत, चार प्रतिशत। जी हाँ जी
चार प्रक्षेत्र को सूत्रों द्वारा सूत्रों द्वारा विवेचना इंग्लिश में एडिंग इनकम नेशनल इनकम आइडेंटिटी इक्वेशंस जी इन टू इंक्लूसिव थ्री एंड फोर सेक्टर चैप्टर इकोनॉमी दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय आइडेंटिटी समीकरण निम्नलिखित है y इज इक्वल टू सी प्लस एस y इज इक्वल टू सी प्लस आई दोनों के बाएं साइड में y है जी तो इसलिए सी प्लस दोनों सी प्लस एस ही है सर। दोनों राइट साइड बराबर कर दीजिए सी प्लस एस और सी प्लस आई नहीं नहीं इसमें जो लिखे हैं सर सी प्लस एस ही दोनों में। अच्छा ठीक करेक्शन कर लीजिए जी पहला है वाई बराबर सी प्लस एस जी और दूसरा है वाई बराबर सी प्लस आई हाँ तो सर्वाय हो गया राष्ट्र अब दोनों को दोनों का एक साइड जो है मिला दीजिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा अब बच जाएगा सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई उसके बाद जो है सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो जी बच गया एस बराबर आई आई ये आई इसको बोल सकते हैं आई बराबर एस जी आई बराबर एस बोला जाता है तो सर इसमें सी क्या है एस क्या है जी बता रहे हैं जी अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि वाई बराबर होता है राष्ट्रीय आय जी टोटल बात आपको बताएंगे इसलिए जो बता रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए आगे पीछे बच जाइए वाई जी उसमें स्टेप है बताने का जी कोई आदमी जो है बाथरूम में बैठेगा आप बार बार झांक के नीचे देखेगा तो टॉयलेट होगा ही नहीं उसको टॉयलेट जी को पेट में खबर चला जाएगा कि बार बार झुक कह रहा है सीधा बैठिए तो जी उसी तरह से इक्वेशन पहले आपको दिमाग में डाले हैं उसको दिमाग में बैठाइए अब बताएंगे राष्ट्रीय आय बराबर वाई बराबर राष्ट्रीय आय सी बराबर उपभोग एस बराबर बचत आई बराबर विनियोग
इस प्रकार राष्ट्रीय आय जो है का मुख्य जी तत्व तो क्या हो गया, बचत और विनियोग, जी बच्चा तो खाने पीने वाला उपभोग कैंसिल आउट हो जाएगा, जी और हर हालत में इकोनॉमिक्स में ये नियम बन गया। आपसे पूछेगा कि नेशनल इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन बताइए, जी आपको बोलना है कि श्रीमान नेशनल इनकम आइडेंटिटी टू सेक्टर में होगा, आई बराबर एस, तीन गो लकीर खिंचाएगा। तीन खिंचाने का मतलब हर हालत में बराबर होगा ही, कोई इफ एंड बट नहीं है। जी दो का मतलब होता है इक्वल, और तीन जी को खींच दीजिएगा तो इसका मतलब ऑलवेज इक्वल, हाँ नो कोई एनी भी सरकमस्टांसेज वो अंतर हो सकता। जी क्लियर है? जी अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा जो है, जी आप इसमें किताब रखे हुए हैं कोई? हाँ, जी किताब उस किताब से आपको उतार के बताइएगा। अभी बता दे तो रहे है हैं, अब लिख, अभी आगे हम बढ़ेंगे इसमें। तो आपका ये सर होमवर्क है, लिख लीजिए मार्शल का परिभाषा हिंदी में, राष्ट्रीय आय का लिखना, मार्शल का परिभाषा, मार्शल का मार्शल का राष्ट्रीय आय का परिभाषा, पिगू का राष्ट्रीय आय का परिभाषा, जी है ना? जी और साइमन कुजनेट का राष्ट्रीय आय का परिभाषा, साइमन कुजनेट, और फीसर का परिभाषा। कोई भी किताब, इंटर का किताब होगा, बीए का किताब होगा, उसमें जी चारों परिभाषा को आपको उतारना है हिंदी में, और हूबहू उसको रटना है, अगले क्लास में आपको सुनाना है। वैसे ही पूछ देगा आपसे, तो मार्शल का जी लाइन हू बहू जो है चार गो वो बोलना है, फिशर का दो गो है तो बोलना है, फिशर पीगो का तीन लाइन है वही तीन लाइन बोलना है, समझ गए ना? तो इसको आप जी घर पर, ये होमवर्क है, अभी हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। दो प्रक्षेत्र हो जी गया, जी अगर अर्थव्यवस्था का शुरुआत जो है दो प्रक्षेत्र से होता है, दो जी प्रक्षेत्र में क्या होता है, तो ये बता बचत दीजिए। विनियोग नहीं, बचत विनियोग तो फाइंडिंग हुआ आपको, प्रक्षेत्र जी में दो आइटम रहता है, एक रहता है घरेलू प्रक्षेत्र, और दूसरा रहता है व्यवसाय प्रक्षेत्र। जी जी घरेलू प्रक्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, जी जो हम लोग का घर का होता है, हम लोग का और का घर हो गया हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जो है पूरे इंडिया में 140 करोड़ आदमी है, उसमें समझिए कि 80 या 75 करोड़ बाप होगा, माए होगा, वो सबको जी जोड़िएगा तो संख्या घट जाएगा, 144 करोड़ नहीं होगा, घर कम होगा, तो जी हाउस होल्ड सेक्टर। जी अब बाल बच्चा अगर सियाना हो गया तो अपना घर बना लेगा, तो हाउस होल्ड जी सेक्टर हो गया। अब व्यवसाय सेक्टर को कहा जाता है बिजनेस सेक्टर, फटाफट बोलिएगा नंबर आ जाएगा। ट्रिक आपको बता रहे हैं, इक्वेशन बोर्ड पर कहेगा, जाइएगा खींच के बना दीजिए, जब आप परिभाषा का जवाब दीजिएगा ना, तब जी एक्सपर्ट कहेगा कि आप नेशनल इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन जानते हैं, तो जी श्रीमान, तो बोर्ड पर बनाइए, तो बोर्ड पर जाइए टू सेक्टर लिख दीजिए, है ना? बोल टू सेक्टर जो है, सकता है सर जो आप कुछ ऐसा बताइए बोर्ड पे जाके पढ़ाइए कोई भी चीज जो आपके मन में हो
और बोर्ड वहां लगाया रहता, वहां आपको बुलवाएगा ना, प्रोफेसर बन के वहां ऑफिस में थोड़ी बैठना है, पढ़ाना है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि बोर्ड पर जाइए, खटाक से जैसे 2% अर्थव्यवस्था हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में इसको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, टू सेक्टर इकोनॉमी और दोनों को लिख दीजिएगा तो दूसरा एक्सपर्ट कहेगा तो थ्री सेक्टर कहता है तो जी श्रीमान अपने से लव देना थ्री मत बनाइए, अरे उसको बोलने का मौका दीजिएगा ना जी जी, जो अपने सब बात बोल उल दिए लड़की को कि आई लव यू यू, अब बाद में लड़की कही कि हम तो बहरा है बचपने से तो हमारा क्या हुआ, सब पानी में चला गया, तो सारा मेहनत पानी चला गया। तो जी टू सेक्टर खींचिए, इससे क्या लगेगा कि उसको जानेगा कि नॉर्मल व्यवहार कर रहा है, अब फटाफट टू थ्री कर दीजिएगा तो कहे कि रट गया है बस, नीट जो है लीक कर गया। जी नीट का भी क्या कर रहा है, निकलता है नीट का लीक नीट आउट का हो गया पेपर, है, क्या हो गया है, वही नीट का ली पेपर लीक हो गया सर, है? जी क्वेश्चन नॉट हो गया सर, लीक हो गया ना, आउट हो गया ना, जी समझ जाएगा कि इसमें जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है उसको ही पैसा दिए हुआ है, दूसरा सोचेगा, जी तीन आदमी कम से कम रहता है, चार जी आदमी भी रहता है, पांच को भी रह सकता है, आप लोग भी सर रहते थे ना पहले, है? आप भी तो सर रहते थे, अभी भी रह सकते हैं, क्या बोले, आप भी तो सर पहले इंटरव्यू अथी में रहते, मेंबर में आप भी सर रहते थे ना, हाँ उसमें सब नहीं ना रहेगा मेंबर, तो एगो मेंबर रहेगा, एगो उसमें दूसरा में दूसरा तीसरा इसे बटा रहता है, लेकिन उसमें आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा, मेंबर तो रहेगा ही, सब्जेक्ट जी एक्सपर्ट रहेगा, साइकोलॉजिस्ट रहेगा, एगो आपका बिहेवियर देखेगा ओवरऑल, एगो जनरल नॉलेज वाला आदमी बैठा रहता है जो अच्छा खिलाड़ी के बारे में पूछेगा, तो उनको होता है बीपीएससी ऑफिसर के लिए, इसमें टीचर में आपको पढ़ाई से ही संबंधित पूछेगा, तो आपको कहा कि टू सेक्टर का बनाइए इक्वेशन इनकम का, तो आप आराम से इसको बना दीजिए और थ्री सेक्टर लिखिएगा नहीं, अपने मन से नहीं लिखेंगे, टू सेक्टर बना के बोलिए कि दिस इज श्रीमान, ये 2% में राष्ट्रीय आय का आइडेंटिटी इक्वेशन है, तब कहेगा कि थ्री सेक्टर भी आता है, कोई पूछ दिया तो जी जी श्रीमान, तब थ्री सेक्टर कीजिएगा, समझ गए ना, जी श्रीमान नहीं बोलेंगे, जी सर नहीं बोलेंगे सर, नहीं सर नहीं बोलना है, जी श्रीमान, जी हर बात में श्रीमान श्रीमान, सर अंग्रेजी वाला टर्म, सर इंग्लिश मीडियम में नहीं ना देना इंटरव्यू, जी नहीं हिंदी मीडियम में, हाँ तो सर श्रीमान, अब आपको जो है हमसे तो जितना क्वेश्चन 29 को पूछा था सबका जवाब धीर गंभीर होके दिए, बार बार पूछता था कि कहाँ से स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में कहाँ से पढ़े हैं, बार बार सबको सुनवाना चाहता था कि देहाती स्कूल का है कि कॉन्वेंट का है, मुजफ्फरपुर में पढ़े हैं, मारवाड़ी हाई स्कूल में, इंग्लिश में पूरा बोलते थे, तो उसमें उसको लगा कि कहाँ का पढ़ा हुआ है, ये सब हमारे गुरुदेव जो थे डॉक्टर बी एन वर्मा, वो डॉक्टर बी एन वर्मा वो एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थे, रिटायर कर गए दरभंगा के थे, तो उन्हीं वही हमको सिखाते थे कैसे करना है नहीं करना, थ्री सेक्टर नेशनल इनकम आइडेंटिटी
तीन प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय आय समीकरण अच्छा अब थ्री सेक्टर जो हो गया इस थ्री जी सेक्टर में पहला क्या होगा? पहला वही पुराना वाला होगा घरेलू। घरेलू हाँ हर जगह पहला घरेलू होगा घरेलू प्रक्षेत्र। दूसरा होगा व्यवसाय प्रक्षेत्र। तीसरा होगा सरकारी प्रक्षेत्र। इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। और दूसरा वाला होगा सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। मिलान करेंगे तो सी प्लस आई प्लस जी बराबर हो जाएगा सी प्लस एस प्लस टी। जी अब ये सी वाला कैंसिल हो जाएगा जी तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा प्लस जी बराबर एस प्लस टी आई प्लस बी बराबर एस प्लस टी। अब हमको आई बराबर एस के फॉर्म में लाना है तो जी टी को बाएं ले जाएंगे आई प्लस जी जी माइनस टी बराबर एस आई बराबर जी एस प्लस टी। जी को राइट साइड लाएंगे माइनस जी। तो ये हो गया आपको विनियोग जी क्या हो गया विनियोग आई विनियोग बी ये हो गया बचत निजी बचत निजी निजी बचत। और ये प्लस हो गया ये टी माइनस जी हो गया सरकारी बचत। क्या आमदनी हुआ? टैक्स आमदनी हुआ। बचत जी सरकारी जी बचत। अब देख लीजिए यहाँ वाई तो आप जानते ही हैं वाई हो गया राष्ट्रीय आय। जी सी हो गया उपभोग। सी हो गया उपभोग। जी उसके बाद वाई सी आई हो गया विनियोग। जी जी हो गया सरकारी व्यय। सरकारी सरकारी व्यय। एस हो गया बचत। व्यय है टी हो गया कर टैक्स। तो कैगो हो गया? एक दो तीन चार पांच छ।
दो तीन चार पांच छह, सी दो बार आया है तो एक बार गिनाएगा ना, जी एक के बार और वाई भी दो बार आया है तो एक बार गिनाएगा, तो वाई सी आई जी एस टी। तो क्या हम लोग निष्कर्ष पाए कि हर हालत में आई बराबर क्या होगा, एस निजी बचत प्लस सरकारी बचत प्लस टैक्स माइनस जी। यही आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। बचत का दो टुकड़ा हो गया, एक जो आम जनता बचत करती है और एक जो सरकार बचत करती है। सरकार का बचत बहुत ही कम रहता है, आम जनता का ही बचत जो है LIC में रहता है, बैंक में रहता है। जी तो थ्री सेक्टर नेशनल इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन, जी सर ठीक है। जी सर अब उसके बाद आपका लास्ट है फोर्थ सेक्टर नेशनल इनकम आइडेंटिटी, फोर्थ सेक्टर नेशनल इनकम आइडेंटिटी। चार प्रक्षेत्र राष्ट्रीय आय समीकरण, चार प्रक्षेत्र में क्या हो गया, वाई बराबर सी प्लस एस उधर क्या लिखे थे, सी बराबर पहला सी बराबर क्या सर इक्वेशन क्या लिखे थे उसमें, वाई बराबर सी प्लस आई सी प्लस एस और दूसरा वाई बराबर सी प्लस आई एस सी प्लस एस सर एस क्या, नहीं साफ सुनाई दे रहा है। एस सर सेविंग मतलब बचत सी प्लस एस एस, जी उसके बाद तीन प्रक्षेत्र में सर हाँ तीन वाला में क्या है एस के वाई बाद, बराबर हाँ वाई बराबर सी प्लस एस प्लस टी टी जी आ दूसरा था जो वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस आई प्लस जी जी। अब देखिए इसमें क्या है, विदेशी वाला में एक नया टर्म आ जाता है IF, IF माने विदेश, आई माने विनियोग, IF विदेश, विदेशी विनियोग। अलग पहले लिख लीजिए इसी तरह से, विदेशी विनियोग। और RPF, RGF और ID, ID का मतलब हो गया घरेलू विनियोग। जी घरेलू विनियोग
आरपीएफ का क्या मतलब हुआ? आरपीएफ का मतलब हो गया देश का व्यक्ति व्यक्ति विदेशी को भुगतान करता है। माली अंबानी जो है विदेश से कुछ मंगाएगा तो उसका विदेश का पेमेंट कौन अंबानी करेगा कि भारत सरकार करेगी? अंबानी करेगा तो उसको आरपीएफ कहा जाएगा। जी आरपीएफ जी पेमेंट फ्रॉम पर्सन टू द फॉरनर, पी हुआ पर्सन, एफ हो गया फॉरनर, इसलिए आरपीएफ रहते हैं। आर का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर आर होता है ट्रांसफर पेमेंट। पेमेंट। एफ क्या बोले थे सर, मतलब बी फॉरेन। क्या बोले? हाँ एफ इक्वल टू मतलब फॉरेन हो गया, एफ एफ इक्वल टू। अब मान लीजिए कि मोदी जो है वो हवाई जी जहाज विदेश से मंगाएगा तो उसका तो पेमेंट कौन सरकार करेगा? सरकार करेगा। जी तो सरकार द्वारा विदेशियों को भुगतान। जी सरकार द्वारा विदेशी भुगतान भुगतान। विदेशी को भुगतान एक बार समझ जाइए तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। इसको कहीं कुछ कितना लोग सेक्रेटेरिएट पहुंच के अभी ज्वाइन कर लिया है मेरे यहाँ से डबल AO में। बहुत सारा जी लड़का लड़की हमने यहाँ से कम्पीट किया था, सब जी ज्वाइन कर लिया, सब तैयारी व्यार होकर ऑफिस से बैठता है, वहां से फोन में व्हाट्सएप पर वो दिखाता है। तो आईएफ हो गया विदेशी विनियोग, विदेशी विनियोग। आरपीएफ हो गया जो देश का व्यक्ति द्वारा विदेश को भुगतान। आरजीएच हो गया कि सरकार द्वारा विदेश विदेशी को भुगतान। आरजीएच यानी ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम आईएफ गवर्नमेंट हो गया विदेशी विनियोग, जी आरपीएफ हो गया देश के का व्यक्ति व्यक्ति द्वारा विदेशों को भुगतान करता है। मान लीजिए जी आपसे बोर्ड पर लिखवाए, आप लिख दिए, समझाइए इसको तो ही समझाइएगा कि श्रीमान आईएफ टर्म जो है वो विदेशी विनियोग को प्रदर्शित करता है, आरपीएफ टर्म जो है जो देश का व्यक्ति विदेशी को भुगतान करता है उसको प्रदर्शित करता है, आरजीएफ जो है वो सरकार द्वारा विदेशी को भुगतान को प्रदर्शित करता है। जी सरकार द्वारा विदेशी को भुगतान। और आईडी मत हो गया घरेलू विनियोग, डी मैंने घरेलू, डोमेस्टिक डी में घरेलू विनियोग पहले हम लोग आई में कुछ नहीं लगाते थे जी कि सब घरेलू था। जी अब देश में बिल गेट भी
इन्वेस्ट करेगा आखिर, जी अडानी भी करेगा, दोनों रहेगा ना, जी बिल गेट वाला होगा आईएफ, जी देश वाला होगा आईडी, तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। जी चला अब देखिए तो ये है वाई बराबर सी प्लस एस प्लस पी प्लस आरपीएफ, यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा आईडी, सी प्लस आईडी प्लस जी प्लस आईएफ प्लस आरपीएफ प्लस आरजीएफ थ्री सेक्टर वाला जो इक्वेशन है जी, उसी में कुछ टर्म जुट रहा है नया, क्या जी जुट रहा है कि देश में लोग विदेश को डॉलर देता है, देश की सरकार विदेश को डॉलर पेमेंट करता है, विदेशी भारत में आके विनियोग करता है, जी, और जो देश वाला विनियोग करेगा उसका नाम अब आई नहीं रहेगा, आईडी हो जाएगा, डोमेस्टिक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जी क्या कहलाएगा वो, डोमेस्टिक मतलब विनियोग हाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख दे रहे अंग्रेजी टर्म भी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन जो पहले वाला था थ्री सेक्टर वाला, उसमें जी खाली आरपीएफ जुट गया, जी और दूसरा टर्म जो था उसमें आई के जगह पर आईडी हो गया, जी तो था ही, जी आ तीन गो नया टर्म जुटा, आईएफ विदेशी विनियोग, देश का लोग विदेश में फॉरेन में पेमेंट करे और सरकार फॉरेन में पेमेंट करे, क्लियर है, जी अभी दोनों को इक्वेट करेंगे, जी दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम अब इस साइड वाला पहले लिख लें, जी सी सी प्लस एस प्लस टी प्लस आर पी एफ आर पी एफ बराबर, इधर वाला करेंगे सी सी प्लस आई डी जी प्लस जी जी प्लस प्लस आई एफ आई एफ प्लस आर पी एफ प्लस आर जी एफ आई एफ प्लस आर पी एफ आर पी एफ प्लस आर जी एफ सी प्लस आई डी प्लस जी प्लस आई एफ प्लस आर पी एफ प्लस आर जी एफ हो गया। जी
हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है। हाँ, जी आ रही है। तो अब देखिए, इसको इक्वल करेंगे, तो जी इक्वल करेंगे तो क्या होगा, ये सी कट जाए सी कट जाएगा, जी आई आरपीएफ भी कट जाएगा, जी आरपीएफ भी कर जाए है जी बच क्या जाएगा, सो देखिए, एस प्लस टी। टी आ देखिए यहाँ क्या है, आई डी जी है, जी जी यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी जी है, सरकारी जी आरजीएफ, ये भी जी लेफ्ट में आ जाएगा आरजीएफ, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, तीनों एक में आ गया।
इधर क्या बच गया आपको? एक आईडी बच गया डी बच गया और एक आईएफ बच गया। आई एफ। तो सीधा समझिए कि ये हो गया कुल बचत, जी ये हो गया कुल विनियोग। कुल बचत और विनियोग कुल बचत इक्वल टू कुल विनियोग हो गया। जी। अब कुल बचत में आप क्या देख रहे हैं? जी पहला टर्म है एस, है ना, जी जी बचत हो गया। ये सरकारी सरकारी बचत है, ये कौन बचत है? बचत टैक्स आमदनी है, जी जी खर्चा है, ये भी जी आरजीएफ भी खर्चा है, जी खर्चे है ना। खर्चा अरे टैक्स से आमदनी होगा, आज जी टैक्स सरकारी खर्च कीजिएगा या सरकार पेमेंट करेगा बिल गेट को, तो खर्चा है, तो जी खर्चा है जी आय में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा सरकारी बचत। सरकारी ये क्या कहलाएगा? बचत सरकारी बचत। ये कहला जाएगा निजी बचत। सरकारी बचत प्लस निजी बचत बराबर क्या हो जाएगा? देसी विनियोग। जी जी अभी देसी विनियोग, जी देसी विनियोग प्लस आईएफ क्या विदेशी कहलाएगा? विदेशी विनियोग। आईएफ क्या कहलाएगा? आईएफ सर विदेशी विनियोग देसी विनियोग प्लस विदेशी विनियोग, जी निजी बचत प्लस सरकारी बचत। जी समझ गए? अब जी इसको घर पर क्या करना, होमवर्क है, दो बार जी लिखना है देख के, और कितना टाइम लगा वो करके हमको इस पर अपना व्हाट्सएप पर भेजोगे। व्हाट्सएप है ना मेरे साथ? जी है है हाँ, उसी पर भेजोगे। पहला बार में कितना लगा, ठीक है, वो नोट कर जी लो, फिर दो तीन बार अपना ऐसे घस के प्रैक्टिस कर लो, और फिर एक बार पूरा फाइनल करो तब कितना लगा, तो घटेगा कि बढ़ेगा टाइम? हाँ, टाइम घटेगा सर तो वही हम जानना चाहते हैं, उसे हम बता देंगे तुमको कि क्या करना है नहीं करना है, ये करके हमको तीनों भेजो। तीनों प्रक्षेप्त का सर दैट्स ऑल, जी समझ गए ना? जी है जी समझ गए सर। सर टॉपिक तो लिखे हैं तो पूरा टॉपिक लिखेंगे सर जितना है उतना है टॉपिक और लिखे हैं सर तो सब पूरा टॉपिक जितना दिया हुआ सभी टॉपिक लिखेंगे हाँ भाई, तुम पूरा लिखो ना, जब जान जी जाओगे तो सबको दो दो चार चार लाइन में भी समझने लगोगे, जी सब का कनेक्शन एक दूसरे से है, तो जी तुम उतारे रहोगे। पहले तुमसे हम पूछ के जो टॉपिक बोलोगे उसको कराएंगे, ठीक है, आ उसके बाद तब फिर जब टॉपिक कुछ बढ़ जाएगा तुम्हारा, तब उस पर टिक लगाते जाओ जो होते जा रहा है। जी। अब जैसे अगला है नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी तो ये तो हो गया आज अरे 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, सब हो गया, जी सब हो गया 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 हो गया, जी टिक लगाते जाओ, जो बोलोगे एगो दूगो तीन गो जो भी बोलोगे उसको कर देंगे। तुमको जानना जरूरी है कि क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, जी जो अंधा आदमी है
और उसको पकड़ा दिया हाथी का सूंड से, कहा हाथी कैसा है तो पतला गुलगुल है, आयु को पकड़ा दिया पूछ से कहा हाथी कैसे दे पतला है एकदम। जी तो वही चीज तुम्हारे पास लिस्ट है, तुम उसको जी रोज लिस्ट को पढ़ो, उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुमको पूछेगा। तो सब पढ़े रहोगे तो दिमाग में जी लगेगा नया चीज, और हमारे पास जब आओगे तो बोलोगे ई टर्म सर एकदम नहीं बुझाता इसको कर दीजिए। अभी तो शुरुआती दौर हुआ है ना, 10 घंटा जी जब पढ़ लोगे तब तुम्हारा ब्रेन और मैच्योर हो जाएगा। जी अब नेशनल इनकम जो तुमको बताए, 2 सेक्टर जी पूछे तो भी कर दोगे, 3 सेक्टर पूछे तो भी कर दोगे, जी 4 सेक्टर पूछे तो भी कर दोगे। ठीक है, इसको जी करोगे फिर जो टॉपिक कहोगे करेंगे, जी 100% करना है, निकालना है, यही उद्देश्य रखना है। जी सर तुम इसको 1 सेट प्रैक्टिस करके टाइम बताओ, और फिर तीन चार जी सेट कर लो तब फिर 1 सेट करके टाइम बताओ, 2 सेट हमारे पास भेजोगे। ठीक है सर 2 सेट जहां भेजोगे ना वो काम तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। जी।